ਸਟੇਸ਼ਨ ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾਈਨ ਐਕਸਟੈਸ਼ਨ ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਪੋਡਕਾਸਟ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਯੰਗ ਵੀਰ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਨਾਈਨ ਐਕਸਟੈਸ਼ਨ ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਪੋਡਕਾਸਟ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਸ਼ੋ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਯਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਾਈਨ ਐਕਸਟੈਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅੰਦਰਲਾ ਆਸ਼ਿਕ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮਰਨ ਦੀ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੇਲ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਿਸੇ ਫੀਮੇਲ ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸ਼ਾਇਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਮੌਸਮ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ ਰੰਗੀਨ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਨ ਐਂਡ ਓਨਲੀ ਨੇਹਾ ਵਸੀਮ, ਮੈਂ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਨਾਈਨ ਐਕਸਟੈਸ਼ਨ ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਪੋਡਕਾਸਟ। थैंक यू सो मच। आपकी इंट्रोडक्शन हमेशा कुछ अलग होती है, मजेदार होती है, हमेशा मुझे थोड़ी सी हंसी आती है, मतलब खुशी वाली हंसी। आगे तो ज्यादा होगी। कहते इन्हों के आने का इन्ना चा सी, मैं ली है नवी जैकेट, नवी टी शर्ट ते नवी जीन। साढ़े नाल वन एंड ओनली नेहा पसीन। लेकिन आजकल जूम की वजह से मैं आपके पूरे कपड़े नहीं देख पा रही हूँ, लेकिन जैकेट आपकी अच्छी लग रही है। लाइक यू हेयर स्टाइल आल्सो अमेजिंग, हैंडसम लग रहे हो आज बहुत। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੁਰਾਂ ਦੀ ਕੁਈਨ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇਹਾ ਵਸੀਮ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਹੋ ਗਿਆ ਰੈਂਡ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਹ ਵਾਹ ਵਾਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਾਹ ਵਾਹ ਮੇਰੇ ਰਾਈਟਰ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਅਸਲੀ ਆਸ਼ਿਕ ਆਪਕੇ ਰਾਈਟਰ ਹੈ ਆਪ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਆਸ਼ਕੀ ਮਿਕਸ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਠੰਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਠੰਡ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਆਸ਼ਕ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਗਦੇ ਆ। समंदर है और यहाँ पे एक सीलिंग बन रहा है, तो मेरा मूड आजकल बड़ा ऑफ है, क्योंकि वो पूरा यहाँ पे ट्रक्स वर्क्स हो रहे हैं। बट ये तो असली माहौल, मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ। अदरवाइज बॉम्बे में अभी मौसम अच्छा हो रहा है, ठंड नहीं है, नॉट लाइक चंडीगढ़, लेकिन 23 डिग्री है, हमारे लिए बहुत अच्छा है। मतलब कभी कभी उतनी भी ठंडी पड़ती है, सो इट्स अ बिग डील। पर चंडीगढ़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਠੰਡ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੜਕੇ ਹੌਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਾਫੀ। ਸੌਰੀ, ਹਮ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੜਕੇ ਹੌਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਕਾਫੀ। ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗਰਮੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਠੰਡ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਗਰਮੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਅੱਛਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇਹਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਨਵੇਂ ਗਾਣੇ ਦੇ ਲਈ। ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਔਰ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਆ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਦੇ ਹੋ ਗਾਣਿਆਂ ਦਾ ਰੰਗ, ਤੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਚਿੱਟਾ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਇਹ ਚਿੱਟਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸੋਚ ਕੇ ਕਰਵਾਇਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਗਾਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਗਿਆ ਚਿੱਟਾ ਕੁੱਕੜ ਬਨੇਰੇ ਤੇ। इसकी कहानी थोड़ी लंबी है, बट आई थिंक इससे ये भी पता लग जाता है कि जब मेरे बाल असली में चिट्टे होंगे तो एक्चुअली अच्छे लगेंगे, सो बुरे नहीं लग रहे। बट मेरे बाल ब्लॉन्ड थे कहते रहते इन्हें के लिए, और उसके बाद एक और गाने के लिए मैंने किए थे प्लैटिनम ब्लॉन्ड, और उसके बाद मेरे खुद के बाल भी, जब मैं भी फुल ऑन पंजाबी हूँ, बहुत जल्दी जल्दी उगते हैं, सो देन वी डिड अ टोनर, और उससे मेरे बाल जो है थोड़े ग्रेश हो गए। मतलब तो इट्स जस्ट, वी जस्ट बीन एक्सपेरिमेंटिंग विद न्यू हेयर। मैं बहुत जल्दी बोर हो जाती हूँ अपने बालों से, लाइक दो दो महीने तक। अच्छा नेहा जी, कहते रहते हैं पर तुम परवाह नहीं करते, सो जिहड़े लोगों ने जिंदगी दे विच आ वाला करैक्टर प्ले किया भी कहते रह गए पर आप जिंदगी अगे लंघे, है ना, उन्होंने डेडिकेट किया सी गाना तुसी? एक्चुअली ये गाना उसी स्पिरिट, जैसे आप कह रहे हैं उसी स्पिरिट के लिए है, कि यार पूरा टाइम स्पेशली आज की डेट में सोशल मीडिया पे लोग इतना ज्यादा बोलते हैं ना, और इतने खुले में बोलते हैं, कि अब वो टाइम आ गया कि हम भी अपनी लाइफ खुले में जिए एंड स्टॉप वरिंग अबाउट लोग क्या सोचते हैं। तो बस वही, पहले जमाने में लोग बोलते थे कि कुछ तो लोग कहेंगे, आज का ये है कि कहते रहते थे, दिल में जो भी आता है बस कहते रहते हैं, मुंह भी जो आ जाता है बस कहते रहते हैं। और इनफैक्ट इसके लिरिक्स इस टाइम मैंने लिखे हैं, मतलब विद अनदर राइटर, लेकिन काफी दिल से आए थे इसके लिरिक्स। जी, और नहीं मैंने एक गल दसो कि जिदा कहते रहते एक टाइटल मतलब मिलकर डिस्कस किया होगा, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਲੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਟ ਹਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਾਤ ਇਹ ਕਿ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਬੋਲਦੇ ਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਟੂ ਬੀ ਯੋਰ ਸੈਲਫ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਦ ਮੋਸਟ ਡਿਫੀਕਲਟ ਥਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਗਾਣਾ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ,
लेकिन लोगों को मेरी पर्सनालिटी से बड़ा इशू होता है जो मैंने देखा है ज्यादातर, कि वो हर कोई एक अच्छी शर्मीली प्यारी लड़की चाहता है, जो हो सकता है मैं हूँ, लेकिन मेरे पहनावे से उनको लगता है कि मैं अच्छी लड़की नहीं हूँ, और जितना अच्छा गाना गाती हूँ उतनी अच्छी मेरा बर्ताव भी होना चाहिए। तो आई थिंक वो एक कंडीशनिंग है लोगों के दिमाग में कि पता नहीं अच्छी लड़की क्या होती है और बुरी लड़की क्या होती है। तो आई थिंक ये गाना एक उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आता है कि अगर आप लड़के देखेंगे जो आजकल सारा चट्टे चट्टी वाले गाना निकालते हैं, सबके बाल खड़े होते हैं, सबने वो बैलेंसियागा के जूते पहने होते हैं, लेकिन उनको कोई एक्सपेक्ट नहीं करता कि वो गुड बॉयज लगे। लेकिन लड़कियों से एक्सपेक्टेशन होती है पंजाबी सूट पहने, चुनिया करें, चूड़ियां पहने, लंबे बाल हों, बिंदियां हों, मतलब एक एक्सपेक्टेशन है which makes me very angry. कोई भी डायरेक्टर आ गया तो नहीं निकल गए भी मैडम आ शॉट शुरू होता है इतने तुसी सिर ते चुन्नी लई हुई है तुसी वो डायरेक्टर नु ना कर दोगे? नहीं वो नहीं, आई लव, मुझे बहुत अच्छा लगता है पंजाबी पटियाला पहनना, चुन्नी करना, बट मैं कह रही हूँ कि वो एक लुक है और वो एक चॉइस होनी चाहिए कि जिसको जो पहनना है वो पहने, लेकिन उससे उसका कैरेक्टर डिसाइड मत करो। ये मैं कह रही हूँ कि उसको एक बस उसको एक कल्चरल कॉस्ट्यूम की तरह देखो, एक लुक है, जो लड़का अगर अलाउड है तो लड़की भी अलाउड होनी चाहिए। इट शुड नॉट बी कि ये सिर्फ सारा जो चुन्नी का जो सारा भार है वो सारा लड़की के सर पर नहीं होना चाहिए। दैट्स व्हाट आई फील। मतलब मुंडे भी चुन्नी लेनी है, मैं भी हूं, मैं कल तो ऑफिस चुन्नी लेके आया करूंगा। नहीं नहीं तो मतलब जो भी अपनी पंजाबी कॉस्ट्यूम होती है या जो मतलब इंडियन ड्रेसेस होती है, खादी पहनो, कुर्ता पजामा पहनो, सिर्फ हमेशा हाथ जोड़ो, हमेशा सिर्फ पंजाबी में ही बात करो, पंजाबी गानों को सिर्फ ढोल के साथ गाओ, मतलब सारा कल्चर फॉलो करो ना, एक ही चीज फॉलो क्यों करनी है। मैं तो बल्कि पंजाबी फोक गाती हूँ, मतलब आई एम मोर कल्चरल इन माई म्यूजिक देन इवन मोस्ट अदर पंजाबी सिंगर्स। सो आई एम सेइंग दैट लव फॉर कल्चर शुड, वो सिर्फ आपके पहनावे से नहीं होना चाहिए। दैट्स व्हाट आई, क्या बात है शो की शुरुआत दे विच ही तुसी इतना बढ़िया मैसेज देता सारे ने, मतलब क्या बात है अगर आप मेरे बारे में बात कर रहे हैं तो वो तो उसकी स्कर्ट की लेंथ तो इतनी छोटी होती है कि जो हम दोनों साथ में चल रहे होते ना, मतलब पूरा भवाल मच जाता है बाहर। लाइक सो आई लव टू सी कि सुनंदा जब मुझे मिलने आएगी, आज सुनंदा ने क्या पहना होगा। जब वो नई नई बॉम्बे शिफ्ट हुई थी, बहुत साल पुरानी बात है, वो बस में जाती थी एंड एक दिन उसने स्टॉकिंग्स पहने थे। मैंने बोला बहन कहाँ जा रही हो? उसने कहा नहीं आई एम गोइंग फॉर अ मीटिंग। मैंने कहा कैसे जा रही हो? बस में। मैंने कहा बेटा प्लीज ये पहन के मत जाओ, ये फिर भी बॉम्बे है आई नो, बट ये फिर भी इंडिया है। मतलब सो शी इज रियली आई थिंक इनफैक्ट मैं उसकी सलाह कभी भी नहीं लूंगी। मतलब वैसे आई एम ऑलवेज इन ट्रबल सुनंदा की अगर मैं ओपिनियन लूंगी तो मैं और ज्यादा मेरे साथ बुराई होगा। यस और यहां नेक्स्ट सेगमेंट है साडा की ये सच है, थोड़ी जिंदगी दे विच कुछ चीजें ऐसी हैं जिहड़ियां तुसी मतलब थोड़े नाल बहुत ज्यादा मैच खांदियां, तुसी दसना भी ये सच है कि नहीं सच। की ये सच है तुहानूं फोक गाना इन्ना पसंद है तुसी अपने घर च चमचे नहीं सिर्फ फोक ही रखे हुए? बिल्कुल सच। की ये सच है कि तुसी एक सूट दे कपड़े चो अपने चार चार कॉस्ट्यूम बना लैंदे हो? ये अभी तक सच नहीं था लेकिन बहुत अच्छा आइडिया है। तो आई थिंक कल ही जाती हूँ मैं दर्जी के पास और मेरे जो चार सूट सड़ रहे बेचारे पड़े हैं उसकी प्यारी प्यारी छोटी छोटी कॉस्ट्यूम बना के लाती हूँ। क्या बात है। और जड़े एको पर्स दे विच पांच कपड़े आ जाते हैं? हाँ बिल्कुल। अच्छा नेहा की ये सच है कि जदों तुहाडी तुहाडे हसबेंड साहब नाल लड़ाई हो जाती है समीर जी नाल ते ओह तुहाडे किसे ना किसे गाने की फाइल डिलीट कर देंगे? हाँ हो सकता है, अब मुझे डर लग रहा है ये बात सोच के। आज ही लड़ाई हुई है, अभी हुई है थोड़ी देर पहले। पता लगे रात में जो गाना कल बनाया से उड़ गया। थैंक यू सो मच इन्ना सच बोलने वास्ते। और नेक्स्ट सेगमेंट है लाइक एंड शेयर, जिहड़ियां चीजां तुसीं लाइक करदे हो साडे नाल शेयर करनी है। मैनूं इह दसो कि इन्हां दिनां दे विच सब तों ज्यादा फेवरेट ऐप कीड़ी चल रही है? Spotify और YouTube। Spotify एंड YouTube। Spotify ते सब तों ज्यादा की सुन रहे हो अजकल? तो मेरी एक प्लेलिस्ट है, उसमें डिप्लो है, आरियाना ग्रांडे है और रियाना है, मतलब मेनी मेनी मिक्स्ड आर्टिस्ट। फेवरेट गाना कौन सा चल रहा है इन दिनों में?
फेवरेट गाना हार्टलेस, डिप्लो का गाना है हार्टलेस, थोड़ा सा सुना सकते हो? एक्चुअली यू नो समहाउ मैं जो गाने सुनती हूँ मैं कभी गा नहीं पाती हूँ, आई थिंक मेरे को सिर्फ उसका है वो Why you gonna be so heartless, heartless, heartless? भी याद है उसका सुना, but मैं लूप पे सुनती हूँ literally. Favorite destination केड़ी रही है क्योंकि कोरोना के टाइम से बंदे ने बहुत ज़्यादा सपने ले आया कि मैं उत्थे जाना, मैं उत्थे जाना, मैं खत्म होने तो बाद फ्लाइटें शुरू हो गई, मैं उत्थे जाना. So इन दिनों favorite destination in your mind केड़ी चल रही है? दो है, एक है ग्रीस और एक है नॉर्दर्न स्पेन. एक जगह है कॉल्ड अस्तूरियास स्पेन में, बहुत सुंदर. तो ये दोनों जगह है माई फेवरेट. चंडीगढ़ और जिदा हम मैं पहली बार जाना सी गोवा ना, मैं थोड़ा शेयर करता पहली बार गोवा जाना सीगा, मैंने इन्ना पता नहीं सी कि उत्थे की माहौल आ. मैं इधरों जैकटा पैक करके लै गया, उत्थे लोकी निकरां जी घूमदे. सीरियसली आप स्विमिंग कॉस्ट्यूम लेके नहीं गए थे? नहीं नहीं, मैं उत्थों जाके निकरां नुकरां खरीदियां, मैं इत्थों जैकटा लेके गया सी. भाई इत्थे ठंड है, शायद उत्थे भी ठंड होवे. नहीं, मुझे लगा आपने गंगा में जैसे लोग घुस जाते ना ऐसे वीआईपी पहन के, मतलब आप भी शायद ऐसे घुस गए होंगे. अच्छा, बातें करते वक्त नेहा आपका फेवरेट टॉपिक कौन सा है? यू डोंट वांट टू नो. नहीं दादो दादो कोई नहीं यार, दिल्ली के लोगों की एक बीमारी होती है पॉटी के में बहुत बातें करती हूँ मैं. आई नो इट्स नॉट गुड बट इट्स माय फेवरेट टॉपिक. क्या बात है. नेहा जिदा दिल्ली के लोगों की गल छेड़ी है ना, दिल्ली के लोगों को फिर तुम्हें पता गालों के मामले में भी पी एच डी मनिया जाता सारे है ना. सो गाल मैं इन्ना कोई ज्ञान है तुम्हारे बारे क्योंकि लास्ट टाइम मैं तुम्हें मिलया सी गालों के कितना कितने पी एच डी तो भी उपर लैवल की गलबात भी हैगी. सो कभी इदा हो कितने किसी जगह से गाल नहीं सी निकलनी चाहिए पर निकल गई मूहों से बाद फील हो यार इतने नहीं सी कटनी चाहिए, इदा हो मम्मी के सामने हुआ. और अभी रिसेंटली हुआ है और इतनी गंदी गाली निकली थी मुझसे, मम्मा मुझे ऐसे देख रही, मैं भी मम्मा को देख रही हूँ कि जैसे ये कौन था, मैं नहीं थी, जैसे कि किसी और ने बोला हो. तो हमारा ना बचपन में एक स्विच होता था कि स्कूल में पता नहीं दिल्ली के बच्चों की बड़ी गंदी हैबिट होती है, जो मेरी भी थी माँ बहन की बहुत गालियां करनी, लेकिन घर आते ही स्विच बदल जाता है एकदम, मतलब आपकी भाषा घरेलू हो जाती है. और मेरे घर में तो शिट बोलना भी अलाउड नहीं था, मतलब मम्मी बोलती शिट क्या होता है, शिट क्या होता है. तो वी वर वेरी वेरी स्ट्रिक्ट एनवायरमेंट इन द हाउस. तो एकदम तो अब बड़े होके भी कभी कभी निकल जाती है ना मुंह से मम्मी के सामने, तो ऐसा लगता है कि अभी आएगा चांटा खींच के मम्मी का ले. तो कभी कभी हो जाता है, थैंकफुली आज तक माइक पे कभी नहीं निकली. दिल्ली वालों की टोन में और पंजाब वालों की टोन में ना एक छोटा सा फर्क है, वो कहीं ना दिल्ली वालों की मतलब ऐसा है कि वो लगता है कि पढ़ी लिखी गाल है, लेकिन पंजाब की गाल इतनी अनपढ़ है ना, इतनी अनपढ़ है मतलब सामने वाले को गुस्सा लग ही जाता है. क्या बात कर रहे हो, मुझे तो मुंबई वालों की बहुत प्यारी प्यारी लगती है जो वो देखते हैं. दिल्ली वाले तो मुझे आई थिंक दिल्ली वालों के इनफैक्ट थोड़ा हरियाणा टच भी है ना, तो मतलब लगता है कि लड़ाई होएगी होएगी, मतलब जब गाली आती है मुझसे तो लड़ाई होगी हो. उतने तो कई लोग आम मतलब गलबात ऐ करते जिदा गाला कट रहे हैं देखते जिन. केड़ा खाना कोई ऐसी स्पेशल डिश जिन्हों सुन के मतलब सुन का दूर की गल मतलब बारे कितने जिक्र हो रहा हो तो मुंह च पहले ही पानी आ जाता है. किस चीज से आता है, बहुत चीजों से आता है, पर एक कोई चीज जो गोलगप्पे लगी है ना मेनू ते. नहीं, गोलगप्पे से ज्यादा मुझे आलू चाट अच्छी लगती है. मुझे आलू की कोई भी चीज बड़ी पसंद है, चाहे वो फ्रेंच फ्राइज हो, आलू चाट हो, या आलू की सब्जी हो, या मसाला डोसा हो, या फिर पराठे हो आलू के. सो मैं लास्ट टाइम बताया था मैं ग्लूटेन फ्री पराठे खाती हूँ अब, तो उसमें भी मैंने एक मैथड ढूंढ लिया है, वीगन बटर भी ढूंढ लिया है, गार्लिक बटर, तो ये सब चीजें, एनीथिंग टू डू विद आलू मुझे बड़ा मजा आता. अच्छा नेहा, टशन लाइफ दे विच कुछ थोड़ी लाइफ ना रिलेटेड क्वेश्चंस आ. सब तो पहला मैं पूछना चाहूंगा कि तुसी इटली च ब्याह कीता सी, की ए ब्याह इटली च इस करके कीता सी कि बहुते ज्यादा रिश्तेदार ना बुलाने पैण, एवें लड़ाइयां हुंदियां ने जायदार दुरू पी के एक दूजे नाल लड़दे. हां थोड़ा सा ट्रू है, मतलब 46 लोग आए थे मेरी शादी में सिर्फ, देखो कोरोना से पहले भी आई वाज अहेड ऑफ माय टाइम्स. 46 लोग सिर्फ, 60 लोगों को 60 लोगों को इनवाइट दी थी लेकिन सिर्फ 46 लोग आए. फिर लामा तक तो मिला था 5-6 रह गए होने.
ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 46 ਦੇ 46 ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਲੋਕ ਹੋਣੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੂਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਹੂੰ ਨਹੀਂ ਔਰ ਇਵਨ ਦੋ ਮੈਂ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਮੈਂ ਹੂੰ ਮੁਝੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਬਲਿਕਲੀ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਚੀਜ਼ੋਂ ਕੋ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਤਲਬ ਸੋ ਫਾਰ ਮੀ ਇਟ ਵਾਸ ਪਰਫੈਕਟ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫੈਰੀ ਟੇਲ ਜੈਸੇ ਥਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਐਂਡਲੈਸ ਵਾਦੀਆਂ ਔਰ ਵਿਨਯਾਰਡ ਔਰ ਪਹਾੜ ਔਰ ਥੋੜਾ ਸਾ ਸਰਦੀ ਕਾ ਮੌਸਮ ਮਤਲਬ ਬਸ ਜਸਟ ਜੈਸੇ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਮੂਵੀਜ਼ ਮੇ ਹੋਤਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੈਸੀ ਸ਼ਾਦੀ ਥੀ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਔਰ 60 ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤੇ ਸੀ 40 ਆਏ ਸੀ 14 ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਗਨ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕੁਛ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੋ ਸਭ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਟਸ ਓਕੇ ਆ ਟੂ ਬੈਡ ਕਦੀ ਕਦੀ ਐਨੇ ਆ ਕਦੀ ਲਾਈਵ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮਤਲਬ ਕਦੀ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਗਾਲ ਨਿਕਲੀ ਜਾਂ ਕਦੀ ਮਤਲਬ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਿਡਲ ਫਿੰਗਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦਿਖਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅਭੀ ਮੁਝੇ 18 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੋ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਲੋਕੋ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਕਲਚਰ ਨਹੀਂ ਥਾ ਕਈ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਥੇ ਤੋ ਇੱਕ ਕੋ ਤਾਂ ਮੈਨੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕੋ ਤਾਂ ਮਿਡਲ ਫਿੰਗਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋਕੋ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਕੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲ ਦਿਆ ਥਾ ਕਿ ਨੀਚੇ ਉਤਰ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਕੀ ਲੜਕੀ ਨੀਚੇ ਉਤਰ ਕੇ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰੂੰਗੀ ਤੋ ਆਈ ਵਾਸ ਕੁਆਇਟ ਅ ਫਾਈਟਰ ਔਨ ਸਟੇਜ ਅਭੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਾਣੇ ਆ ਨਾ ਫੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫੋਕ ਫਿਊਜ਼ਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਗਾਣੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਦੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਗਾਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਭੁੱਲੇ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਹੁਤ ਬਾਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਦ ਕਦੀ ਕਦੀ ਮੈਡਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਗੀ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਗਾਣਾ ਕੌਣ ਸਾ ਹੈ ਕਦੀ ਕਦੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪ ਗਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਕੋ ਬੈਂਡ ਪਿੱਛੇ ਸੇ ਬਹੁਤ ਬਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨੀ ਇਹਨਾਂ ਚੱਲਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਫਿਲਟਰਡ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕੋਈ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਲੋਕੀ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿਹੜੀ ਪੇਂਟ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਈ ਰੀਲੀ ਵਿਸ਼ ਕਿ ਹਮ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਉਹ ਕਲਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਜੈਸੇ ਅਭੀ ਇਹ ਜੋ ਕਲਰ ਮੇਰੇ ਰੂਮ ਮੇ ਹੋ ਰੱਖਾ ਹੈ ਇਹ ਕਲਰ ਮੇਰੇ ਸਰ ਮੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੇਰੀ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਹੋਤੀ ਆਈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਲਾਈਕ ਪੇਂਟਸ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋ ਲੋਕਲ ਪੇਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਦਿੰਦਾ ਪਹੁੰਚਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ ਨੇਹਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਸੁਨੀਲ ਐਜ਼ ਅ ਹਸਬੈਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਹਿਲੇ ਐਜ਼ ਅ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਐਜ਼ ਅ ਹਸਬੈਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਕਿਹੜੀ 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 ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਜਦ ਮੈਂ ਉਸਕੋ ਬੋਲਦੀ ਵੀ ਫੋਨ ਆਪਣਾ ਯੂਜ਼ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਦ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋਤੇ ਹੋ ਉਸਕੋ ਬੜੀ ਇਰੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋਤੀ ਹੈ ਸਰ ਫਿਰ ਕਿਆ ਕਰੂੰ ਮੈਂ ਕਿਆ ਕਰੂੰ ਮੈਂ ਅਰੇ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਹੂੰ ਮੁਝੇ ਬਾਤ ਕਰੋ ਇਸ ਬਾਤ ਪੇ ਹਮ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਬੜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਮਤਲਬ ਤਿਆਗ ਹੀ ਦਵਾਂ ਮੈਂ ਜਮਾ ਹੀ ਕਰਾ ਦਵਾਂ ਪੱਕਾ ਕਿਤੇ 5-7 ਘੰਟਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮਿਸਟਰ ਸੁਨੀਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਔਰ ਫੋਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਇਹ ਐਨਕ ਕਲਿੱਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜਿਓ ਪੱਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਬਾਤ ਬੋਲਦੀ ਹੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਹੈ ਸਟਾਕ ਮੇਰਾ ਸਟਾਕ ਨਾ ਘਰ ਮੇ ਗਿਰਾਓ ਮਤ ਤੋ ਐਸਾ ਮਤਲਬ ਐਸਾ ਦਾ ਲੋਟ ਆਫ ਪੀਪਲ ਵਾਂਟ ਟੂ ਟਾਕ ਟੂ ਮੀ ਸੋ ਡੋਨਟ ਡੂ ਇਟ ਹਮਾਰੀ ਇਸ ਬਾਤ ਮੇ ਬਹੁਤ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਹੋਤੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲਤਾ ਹੈ ਹਰ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਬੀਚ ਮੇ ਹੋਤੀ ਹੈ ਸੁਨੇਹਾ ਆਲਵੇਜ਼ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਆਏਗਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਕਲਰਫੁੱਲ ਜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਣੀ ਹੈ ਬੜਾ ਫਰੈਸ਼ ਜੀ ਫੀਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸੋ ਉਹੀ ਸੇਮ ਫੀਲ ਆਈ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਸੀ ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਜ਼ਾ ਆਤਾ ਹੈ ਯੰਗਵੀਰ ਆਕੇ ਪੂਰਾ ਜੋਕਸ ਤੇ ਹੱਸਨੇ ਮੇ ਮੈਂ ਅਬ ਆਪਨੇ ਪੂਰ ਬੋਲ ਦਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਬਤਾ ਦੂੰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਰਾਈਟਰ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਿਫਟ ਹੋਊਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੂਮ ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ
ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਮੈਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜੋਕ ਮੇਰਾ ਇਹਦਾ ਲਾਈਵ ਲਾਈਵ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਨੇਹਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਔਰ 9X ਸੈਸ਼ਨ ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਦੇ ਲਈ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਥੈਂਕ ਯੂ ਐਂਡ ਬਿਗ 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 ਹੱਗ ਟੂ ਈਚ ਵਨ ਆਫ ਯੂ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ ਐਂਡ ਪਲੀਜ਼ ਸਟੇ ਕੋਵਿਡ ਫ੍ਰੀ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆਇਆ ਪੂਰਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਉਹਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਵਿਦਾਊਟ ਐਨੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਵਿਦਾਊਟ ਐਨੀ ਬਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਜੋ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਨੇਹਾ ਬਸੀਨ ਐਂਡ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਪ ਔਨ ਵਾਚਿੰਗ 9X ਸੈਸ਼ਨ ਟੈਸ਼ਨ ਯਾਰਾਂ ਦਾ 9X ਸੈਸ਼ਨ ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਪੋਡਕਾਸਟ